जो कि HD के प्लस में आता है, ये 8 इंच का टच स्क्रीन। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक बार मैं प्रॉब्लम्स आपको फिर से गिनवाना चाहूंगा। एक स्टेयरिंग नहीं चल रहा है इसमें, USB नहीं चल रही। इसके बाद अपना ये बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग आ रही है, अपना लाइट्स ऑन करने पे इसमें लाइट नहीं चल रही और अपना माइक नहीं चल रहा है। तो इन्हीं सब का रिजोल्यूशन आज हम ढूंढेंगे कि कहां पे अपने को ये मिलता है। तो अभी मैं जा रहा हूं जो सबसे बेस्ट प्लेस है, जहां एक से एक मास्टरमाइंड, एक से एक तगड़े दिमाग वाला बैठा है इस सब काम को करने के लिए, करोल बाग। तो करोल बाग तो भाई हम जा ही रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में जब हमने पार्ट वन में देखा था स्टीरियो को लेकर, तो उसमें मैंने कई कमेंट्स ऐसी पढ़ी कि लोगों को भाई समझ ही नहीं आया कि ये स्टीरियो कौन सा है। लोग समझ रहे हैं कि मैंने एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाया है। भाई एंड्रॉयड स्टीरियो कोई मेरे को 1,00,000 रुपया देना, मैं जब भी ना लगवाऊँ, मेरे को इतना गंदा लगता है उसका इंटरफेस वगैरह। खैर ये मैं बताता हूँ, ये ओरिजिनल किया का स्टीरियो है जो कि अपना HD के और HD के प्लस में आता है। इसकी कीमत कंपनी से पूछना 50-60 हज़ार का है, और आपको मिल जाए ना उतने कीमत में भी तो बहुत बड़ी बात है। कंपनी इसको किया देती ही नहीं, तो ये कहीं से जुगाड़ निकला। तो मैं क्या सोच रहा था कि दोनों के कपलर सेम ही होंगे, तो मैंने मंगवा लिया। अभी सब कुछ खुल गया जब पता चला कपलर से अलग है। मेरे माइंड में यही था कि दोनों कपलर सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों किया के ही स्टीरियो हैं और केबल वगैरह सबकी सेम ही रहती होगी। लेकिन देखने में भाई उल्टा ही पता लगा। बहुत भाई ने बहुत सारी जगह सजेस्ट करी, लेकिन भाई वही है ना, काम के टाइम ना कोई काम नहीं आता। यहाँ कोई तो फोन नहीं उठाता, कोई साफ मना कर देता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो सब ट्राई कर लिए भाई, जो सोनिक मोनिक आप जो जितने भी जो सब बताते हो ना, कोई काम मेरे तो आया नहीं। तो अभी एक बंदे से मैंने बात करी है, तो अभी उनके पास चल रहे हैं, देखते हैं वो इसको कर पाते हैं नहीं। और ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट इसमें कुछ होगा, अपनी कार के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं है। जो भी काम करवाऊंगा कार को बिना छेड़े हुए करवाऊंगा, अगर नहीं होता है तो सीधे मना कर दूंगा। लेकिन कार के साथ वायरिंग के साथ 1% भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा भाई, क्योंकि नई कार है और मेरे को ये स्टीरियो वगैरह से ज्यादा प्यार अपनी कार से है। हालांकि स्टीरियो में से अगर कुछ वायर वगैरह वो निकालते हैं, इसमें से कुछ जो जुगाड़ करते हैं तो बेशक कर लें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसकी प्राइसिंग भी मैं बात करूंगा, 50-60 हज़ार वाला स्टीरियो मेरे को कितना का पड़ा है। और एक बात और, जब मैंने दुकानदारों से बात करी ना, जो भी आप लोगों ने सजेस्ट किया था, तो वो ये लोग बोले कि आपने जितने का लिया है ना उससे 2,000 रुपये ऊपर लेके हमको बेच दे, इसको हम बेच लेंगे। तो इतना पागल थोड़ी है भाई, ये कैसे कैसे तो मिला है, ऐसे थोड़ी इसको दे देंगे। अरे ओरिजिनल है भाई। अभी आए होंगे करोल बाग में पूछ के, तो ये शॉप है अनिल ऑडियो सर्विस। तो इनको मैंने ये दिखाया है अभी, तो इनका ये कहना है कि हम ऐसा सर वो बनाएंगे और उस वाले स्टीरियो में ऐसा फिट कर देंगे जिससे ये सीधा अपना जो भी है, अपना स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, USB हो गया, सब उसी से चल जाए। और 2-3 घंटे का टाइम बोल रहे हैं और खुलवाते हैं स्टीरियो को, उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि हो जाएगा वो वाला सीन, पूरा खुलेगा ये, उनसे बात तो हुई है और पूरा ऐसे आ जाता है बाहर। आपने देख तो लिया है खुलने का इसका पूरा प्रोसेस पहले, इसके बाद फ्रेम आएगा भाई मेरे ख्याल से। फ्रेम है ना पहले ऊपर। बंदे ना यहाँ पेचकस लगा रहे थे, वो टूट जाए। फ्रेम भी बाहर आ गया भाई, देखो अब ये चलना तो चाहिए बढ़िया तरीके से। अभी एस्टीमेट भी देंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो 4,000 जो मैंने आपको पहले बताया हमने खर्च करे, वो तो वेस्ट है बिल्कुल। कपलर वाला सिस्टम ही करेंगे ही नहीं, मतलब वही कपलर सॉकेट ही ऐसा बनाएंगे जो उसमें वो डायरेक्टली फिट हो जाए। बाकी 3 बज चुके हैं भाई, इसी के चक्कर में डोल रहे हैं सुबह से। ये आ गए इस इवेंट्स बाहर, ऐसा कपलर दे देंगे आपको यूं आके फंस जाएगा, जिसमें आपका स्टीयरिंग रिमोट भी चल जाएगा, बंद भी होने लग जाएगा, और पेन ड्राइव की कहोगे तो अलग से ले। तो ये अनिल भाई क्या क्या चला दोगे सर इसमें आप? सब कुछ चला दूंगा जो आप चाहोगे। क्या क्या? जो आप चाहोगे आप बताओ, ये चलाना है अपना USB चल जाए, स्टीयरिंग कंट्रोल, माइक चलेगा, कैमरा चलेगा। कितना खर्चा आ जाएगा वो बताता हूँ, चेक करके आपको चेक करके बताओ कितना टाइम लग जाएगा। 2-3 घंटे लगेंगे। तो अभी टच करके इन पे करा रहे हैं, सारा काम हो जाएगा। अभी आप इसका चेंज कर दोगे ना सॉकेट? सॉकेट चेंज नहीं करूँगा, ये आप इस मॉडल में लगाना चाहोगे, ये इस नीचे से वायरिंग बना के दूसरा ओल्ड मॉडल सॉकेट अटैच कर देंगे भैया। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना फ्यूचर में? वो गारंटी है उस चीज़ की, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, देख लीजिए अपनी कार, अभी 2-3 घंटे वेट करके फिर आपको दिखाता हूँ कैसा अभी चलता है। तो भाई अभी दे दिया है स्टीरियो फिट करने के लिए, मैं चार्जर भी बताऊंगा। अभी 2-2.5 घंटे अपने को वेट करना है, उसके बाद अपना ही चल जाएगा। अभी चार्जेस की बात करूं तो 3500 रुपये ये बोल रहे हैं। हो रहा है मुझे कि हम जिस पे चले गए थे कल। हाँ भाई, हम तो यही कहेंगे कोई नई दुकान देख के, और ये मतलब
थोड़े नूब उन पे ना ही जाएं तो बेहतर होगा, कल ही आ जाते तो सही रहता। अब वो हमारे वेस्ट ही तो हुए हैं, 4000 वो 300 रुपए लेबर चार्ज ले लिए, बेकार काम है यार। अपना आओ ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे इन चीजों का काम होता है। अब 300 रुपए भाई वो लेगा लेबर वाला, हम तो लुटे ही लुटे यार, हर चीज मर रहे हैं वो अलग। 3 बजे ढाई 3 घंटे की बोल दी है, वैसे रात को 8 बजे फ्री होंगे हम, यहाँ से अभी फिट करने में टाइम लगेगा उसको, पर हो तो जाएगा तो भाई वो तो सुकून देना, वो तो जाएगा ही। अभी देखो मेरे को ट्रस्टेड से बंदे लग रहे थे, एक्सपर्ट से, तो इनसे ही करवा रहा हूँ फिर। चलो भाई अब कुछ खा पी के फिर मिलते हैं। तो अभी घूमने के बाद भाई एक तो गफार मार्केट और करोल बाग मार्केट, 2-2.5 घंटे बाद उस भाई का फ़ोन आया कि ये रेडी हो गया है, अभी चल के देखते हैं कैसा चलेगा या नहीं। तो भाई 2.5 घंटे बाद ये हो चुका है, अभी दिखाना भाई क्या करा है इसमें इन्होंने। ये कपलर बनाया है, ये कपलर बनाए हैं बस, तो इस तरीके से वायरिंग करी है, इसके नीचे से निकाले इन्होंने तो कुछ, फिर इसका रोल नहीं होगा अब कुछ भी। इसका नहीं, चलो टेस्ट करते हैं, वो लगाओ तो USB का भी यहीं से अलग से निकाल लिया, USB पोर्ट का इसमें है ना आपके पास, USB चेक करने के लिए है कि आगे। अच्छा कैमरे का बताता हूँ मैं, कैमरा इसमें नहीं हो पाया क्योंकि भाई बोल रहे थे इसमें कुछ कैनवस वगैरह है जो कि ऑर्डर पे मंगाना पड़ेगा, उसको एक महीना लग जाएगा और ऐसा कुछ, तो मैंने बोला उसकी खैर ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है उसकी, सेंसर हैं काफ़ी हैं। ये देखते हैं, ये तो फिट हो गया इसमें, ये ऑन करते हैं भाई, चल तो गया। भाई USB में लाइट आ नहीं रही, आ गई लाइट, तो आ गई लाइट भी, आ गई USB में, इसमें आ रहा है, आ गया, चल गया भाई, USB भी चल गया। स्टीयरिंग चेक करो, माइक चेक कर लो, अभी भाई स्टीयरिंग का करते हैं मेन, स्टीयरिंग भी चल गया, चलो मोड वगैरह देखते हैं, म्यूट चल गया, हाँ म्यूट का चल गया, और कॉलिंग का वो तो जब वो कनेक्ट होगा, हाँ ठीक है वो भी चल गया, बाकी ब्लूटूथ कनेक्ट करके माइक चेक, माइक चेक करेंगे अभी, एक मिनट में माइक चेक करता हूँ भाई, इसी फ़ोन पे फ़ोन करता हूँ। पार्किंग, हाँ पार्किंग चल गई, बंद करो, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले चेक करता हूँ एक मिनट, अगर सपना फ़ोन दियो भाई, इसको फ्लैश को केवल बंद कर दे तू, मेन तो एप्पल कार प्ले है भाई, ये देखो खाम खांगा वेस्ट पैसा चल लगा इसके लिए अपने को। रुक एक मिनट, रीड कर रहा है, कर दे तूने कनेक्ट, अनलॉक कर फोन, अनलॉक है, जो रीडिंग कर रहा है, इनेबल भी है लेकिन आ नहीं रहा यार। चलो भाई चीज़ें बाकी तो सारी वर्क कर रही है, USB हो गया, ये हो गया, अभी मैंने तो माइक चल गया भाई, माइक चल गया है, बढ़िया आवाज़ भी आ रही है, चारों स्पीकर चल रहे हैं, बैलेंस फेडर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, बैलेंस फेडर कैसा चल रहा है। तो अभी पेमेंट करके आया हूँ भाई, इन्होंने लिए 3000 रुपये, अभी भाई सारा ये डन है अपना, एक सेकंड में लाइट जला के दिखाता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ ये सब काम डन करवा के, और बस तो ये तो बढ़िया चल रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारे फंक्शन कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग भाइयों, आज नेक्स्ट डे है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टूडियो अपना कैसा दिखता है। तो आपने वैसे लास्ट वीडियो में देख लिया था, लेकिन अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अभी ये आपके सामने भाई, रियलिटी में लुक ना एकदम इतनी बढ़ जाती है कि बस पूछो ही मत ना, जो पहले आप यहाँ पे लुक देखिए पहले कैसी लुक थी और अभी की लुक आपके सामने है। ये जो पियानो ब्लैक फिनिश में जो ये वाला फ्रेम आ जाता है ना, ये भी बहुत सही है। अभी मैं फ्रेम का बता देता हूँ, ये भी ओरिजिनल फ्रेम है, ऐसा फ्रेम आपको जिसमें ये कटा हुआ हो ये हो वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलता।